सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है बादल किसके काका। साथियों, ये शिक्षण योजना मुझे मोनिका बालियान जी ने भेजी है, जिनकी पोस्टिंग अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वैसे वे मूल रूप से मेरे ज़िले मुजफ्फरनगर से बिलोंग्स करती हैं। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है मोनिका जी ने। काफ़ी इनोवेटिव टीचर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट टीचर्स हैं। इसके लिए मोनिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाकर मुझको भेजी। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। आपके द्वारा बनाई गई एक शिक्षण योजना से कम 400-500 शिक्षकों का भला हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को मिलकर शिक्षण योजना बनानी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, दीक्षा और मानव संपदा की समस्याओं से संबंधित वीडियो या शिक्षण प्लान से संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जो साथी पहले जुड़े हुए हैं उन्हें जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप 4 कॉलम बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप खाली छोड़ दें, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। कक्षा 3, विषय हिंदी और समय 40 मिनट। सबसे पहले लर्निंग आउटकम, बच्चे कविता को उपयुक्त उतार चढ़ाव गति प्रवाह से सुनाते व पढ़ते हैं। पहला लर्निंग आउटकम आपका ये होगा। दूसरा, बच्चे बादल, वर्षा, मौसम, सूर्य, चंद्रमा से भली भांति परिचित है तथा इनके बारे में जानकारी रखते हैं। प्रकरण है हमारा बादल किसके काका। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें बादल वर्षा का चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, ये हमें यूज करनी है। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की गतिविधियाँ या क्रियाकलाप, जो भी कुछ कहेंगे। उसमें 4 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रम संख्या, चरण आपके 3 होंगे। पहला चरण होगा शिक्षण के आरंभ में, इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। तो शिक्षिका छात्रों से मौसम, सूर्य, चंद्रमा आदि प्राकृतिक वस्तुओं की चर्चा करती है। सूर्य का चित्र दिखा सकते हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता चरण आता है आपका शिक्षण के दौरान। शिक्षिका कविता का सस्वर वाचन करती हैं तथा कविता की व्याख्या वह जटिल शब्दों का अर्थ बताती हैं। जो जटिल शब्द आए हैं उनका अर्थ बताती हैं। शिक्षा दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री छात्रों को दिखाती हैं। तो इसमें आपके 15 मिनट लगेंगे। आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। नेक्स्ट आता है शिक्षण के बाद। जब शिक्षण हो जाएगा, सारा पाठ पढ़ा दिया जाएगा, तो उसके बाद शिक्षिका छात्रों से कविता से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। इसमें 10 मिनट लगेंगे और आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है? और क्या प्रश्न पूछा जाएगा? सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बारिश में तुम क्या क्या करते हो? इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। बारिश में बच्चों को क्या करने से मना किया जाता है? और क्या प्रश्न पूछेंगे? बारिश का मौसम आपको कैसा लगता है? काफी सुंदर प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, इनको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। तो ये आपका तीसरा चरण हुआ शिक्षण के दौरान। उसके बाद आप एक गतिविधि कराएंगे बच्चों को। बच्चों को समूह में बैठाकर अलग अलग ऋतु के बारे में सोचकर बोलने को कहेंगे। आप बच्चों के 3 समूह बना देंगे, समूह क, समूह ख और समूह ग। एक को कह देंगे तुम्हें ग्रीष्म